أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रबन कबल इसके मैं अपनी तकरीर को आग आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने मज्जद मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। फिरोज़ आलम साहब से बतौर ख़ास गुजारिश है कि सामने तशरीफ ले आएँ। इकबाल उमरी साहब तशरीफ़ फरमा है सामने वो भी आ जाए मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज़ साथियों इस्लाम में अखलाक की अहमियत बिल्कुल वाज है रोज़ रोशन की तरह नुमाया है इक्कीसवीं सदी में हम लोग जी रहे हैं चांद पर हमने कमंदे डाल दी हैं और तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया मगर हकीकत यह है कि इंसान को जमीन पर चलना अभी तक नहीं आया है आज लोगों के पास मालो दौलत की फरावानी है महंगी गाड़ियां हैं महंगे मोबाइल हैं कारें हैं बैंक बैलेंस है और कभी कभी बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियां भी हैं लेकिन अखलाक नहीं है जब आप किसी दूसरी जगह का सफर करके जाते हैं तो लोग आपसे आपकी डिग्रियों का सवाल नहीं करते हैं कि आप किस किस कदर तालीम याफ्ता हैं आपका अखलाक क्या है इंसानी ताम की वजह से सबसे पहले जो चीज लोगों के सामने आती है वह अखलाक है देखें इस्लाम में आप देखेंगे तो सबसे पहले अकाइद यानी ईमान का नंबर है फिर उसके बाद इबादात का नंबर है और तीसरे नंबर पे अखलाक का नंबर आता है लेकिन अकाइद इंसानी दिमागों में और दिलों में छुपे रहते हैं और इंसान जो इबादत कर रहा है उसका मजहर भी मखसूस होता है मखसूस मकाम पे और मखसूस तरीके से वो नमाजें वगैरह पढ़ लेता है लेकिन अखलाक का फैज इस कदर आम है कि पूरी दुनिया उससे फैज उठाती है और ऐसी खुशबू है जिससे पूरी दुनिया मुत्तर हो जाती है आप देखेंगे कि बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में होती हैं एक ऐसे काम जिसे अल्लाह अल्लाहमी पसंद करता है उसे अखलाके हसना और अखलाके फाजिला का नाम दिया जाता है और फजाइल में उसका शुमार होता है तकरीबन वो तीस टॉपिक्स हैं जो फजाइल में आते हैं यानी ऐसी ऐसी आदतें ऐसी हसलतें ऐसे हैबिट्स ऐसे किरदार जिसे अल्लाह रबीन पसंद करता है जैसे सच बोलना सिद्को सफा सखावत और फयाजी ईशार और कुर्बानी अदलो इंसाफ एहसान ये सब सारी चीजें ऐसी जैसी तीस चीजें हैं तकरीबन और जो बुरे अखलाक हैं रजाइल हैं जिसे बैड हैबिट्स कहते हैं वो भी तकरीबन तीस हैं तो अखलाक का मौजू बहुत ही वसी है और बहुत ही फैला हुआ है लेकिन सबसे पहले नंबर जो आता है वो सच्चाई का आता है और ये सच्चाई दिल की सच्चाई जबान की सच्चाई और अमल की सच्चाई तीनों में मुताबकत होनी चाहिए और उधर अगर रजाइल में देखेंगे आप यानी जो बुरी आदतें हैं झूठ सबसे पहले नंबर पे है झूठ जूट बोलना झूठी गवाही देना और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती चली जाती हैं शराब है, है जनाकारी है बदकारी है दो रुखापन है चुगलखोरी है आ, और इस तरह से उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती चली जाती मेरा वक्त बहुत मुख्तर है बीस मिनट है इसलिए मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर आ जाऊंगा वरना बात लंबी हो जाएगी मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह रबालमी निर्शाद फरमाता है कि नेकी और बुराई तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ में बुराई करता है तो उसका बदला अच्छाई से दो ही इसका नतीजा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया है कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जुलम जाति करता है अगर तुम्हारे साथ में कोई बुराई करता है तो तुम उसका जवाब अच्छाई से दो भलाई से दो तो अचानक तुम देखोगे कि जो सदियों का तुम्हारा दुश्मन था तुम्हारे खून का प्यासा था वो तुम्हारा जिगरी दोस्त हो गया है कानहु अली अमीम वो तुम्हारा गहरा और जिगरी दोस्त बन गया है इस्लाम यह नहीं कहता कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दो ईंट का जवाब फूलों से दे दो अगर तुम्हारे साथ में कोई जुल्माति करता है ना इंसाफी करता है तो उसका जवाब एहसान के साथ में दो गैजो और गजब और गुस्से का जवाब सब्र से दो बर्दाश्त से दो अरबी का एक शायर कहता है वलकद अमरई में यसुब बुनी तो सम्मता कुल तो लाया जब भी मैं किसी कमीने के पास से गुजरता हूं वो मुझे गाली दे रहा होता है मैं उसके पास से गुजर जाता हूं यह ख्याल करते हुए कि यह मुझे मुराद नहीं ले रहा है यह मुझे गाली नहीं दे रहा है आज लोगों का यह ख्याल है उसने मुझे गाली दी उसने मेरे साथ में जाति की तो क्यों ना मैं, मैं मैं उसके हाथ मरोड़ दूं क्यों ना मैं उसके गर्दने तोड़कर रख दूं और एक सर का जवाब दस सरों से लूंगा इंतकाम और बदले पे लोग तुल जाते हैं और तैयार हो जाते हैं हजरत मूसा सलात वाम का जरा देखिए अल्लाह रबुल आलमीन ने कहा कि जब तुम फिरोन के पास में जाओ फकूल अलहू कउल लाल हारून जाओ तुम दोनों फिरौन के पास और फिर का जुल्म दुनिया के सामने जाहिर लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा फकूल लहू कऊलन लई जाओ उससे बात करो नरमी के साथ नरम कलामी से उसके साथ में पेश आओ शायद वो नसीहत हासिल करे या डर जाए ये नहीं कहा गया कि जाओ फिर उनकी तरह से तुम भी उसके साथ में जिल्मी करना यह ने नहीं कहा हजरत इब्राहिम अलह सलात वसलाम का बाप आजर बहुत बड़ा मुशरक पक्का मुशरक और काफिर और दावत तोहहीद दे रहे हैं जो अंबिया का मिशन रहा है मगर इब्राहिम अलह सलात वसलाम बहुत प्यार से कहते हैं या अबती या अबती अरे अब्बू जान ए मेरे अब्बू जान और कुरानी करीम कहता है वसारकफरती में रब वह जन्नतिन आर दुहस समातू बोल और दौड़ पड़ो किधर माल और दौलत की तरफ नहीं उधर तो दौड़ते ही रहते हैं लोग मालो दौलत नहीं दौड़ पड़ो लपक पड़ो ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जिसका अर्ज आसमानों जमीन के बराबर है जिसकी चौड़ाई आसमानों जमीन के बराबर है उसकी लंबाई कितनी होगी और यह जन्नत मुत्तियों के लिए तैयार की गई है और फिर मुत्तियों की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ने कहा ये वो लोग हैं जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं खुशहाली में भी और बदहाली में भी तंगहाली में भी और खुशहाली में भी जब अल्लाह ने उनको नवाजा है तब भी खर्च करते हैं और नहीं है तब भी खर्च करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक और गुस्से को पी जाते हैं अगर किसी ने उनके साथ में जाति की है बुरा सुलूक किया है तो गुस्से को पी जाते हैं वलाफी लोगों को माफ कर देते हैं वाह हिब्बुल मुहसिन और अल्लाह नेकी करने वाले को पसंद करता है यह बहुत बड़ी नेकी है इसमें एक खास नुकता यह बयान किया गया कि गुस्से को पी जाते हैं और माफ भी कर देते हैं कभी कभी आदमी बर वक्त मौके पर गुस्सा तो पी जाता है मौका महल ऐसा नहीं रहता है कि सौ लोगों के बीच में इसको जूते से मारूं लेकिन बाद में उसको नौकरी से निकाल देता है या बाद में उसको मारपीट करता है बाद में सजा देता है तो अल्लाह ने कहा कि नहीं गुस्से को पी जाते हैं और माफ भी कर देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के लिए दुनिया के इंसानों के लिए रहनुमा रहबर उ लीडर और कायद बना करके भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर बात करूं तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी मगर जरा याद कीजिए एक नन्हा खादिम अपने आका के बारे में गवाही देता है हजरत अनस बिन मालिक अल्लाह रजील कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस बरस तक खिदमत की मगर प्यारे नबी का अखलाक ऐसा बुलंद था कि मुझे कभी डांटा नहीं झिड़का नहीं अगर कोई बड़ा आदमी अपने मातहतों के बारे में कहे कोई दोस्त अपने दोस्त के बारे में कहे कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के बारे में कहे तो यह बहुत बड़ी शहादत नहीं है किसी की मातहती में काम करने वाला अपने आका को दस बरस तक जांचा परखा पहचाना और उसके बाद गवाही दी खदम तुन नबी सलाश वाल वो कहते हैं कि मैंने अगर कोई काम कर दिया तो अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा कि क्यों किया और अगर कोई काम मैंने नहीं किया तो अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा कि क्यों नहीं किया जो कर दिया वो भी सही जो नहीं किया वो भी सही हजरा दो तीन हदीसें जो मैंने आज सिलेक्ट की हैं वो हदीसें सामने पेश करना चाहूंगा अम्मा आयशा से दीका रज बयान फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सलम को फरमाते हुए सुना इस्लाम में अखलाक की अहमियत कितनी जबरदस्त है आज इस हदीस के अंदर देखते हैं इन नलमो में लयुद्रिक बेहसन खुल बेशक मोमिन आदमी अपने हसन अखलाक अच्छे अखलाक के जरिए से साइम और कायम का दर्जा पा लेता है यानी रोजा रखने वाला आदमी असाइम रोजा रखने वाला जो बकसरत नफली रोजे रखता है अलकायम वो शख्स जो रातों में उठ उठ करके बकसरत अल्लाह रबुल रबुलमीन की इबादत करता है यह दोनों काम बहुत मुश्किल है कौन कौन से रोजा रखना कसरत से नफली रोजे रखना और रातों में उठ उठ करके इबादत करना ये दोनों काम मुश्किल हैं और यकीनन जो आदमी ये काम करता है वो उसको बेहिसाब अल्लाह आलमीन अजर सवाब आता करेगा लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जो फराइज की अदायगी तो करता है लेकिन नवाफिल का बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं कर पाता है लेकिन हुसन अखलाक की वजह से अच्छे किरदार की वजह से वो इस रोजा रखने वाले और रातों में उठ करके क्याम करने वाले शख्स के रुतबे और मरतबे को पा लेता है इस्लाम में अहमियत को अगर देखना हो तो इस हदीस को भी सामने लाओ अल्लाह के रसूल वसल्लम से पूछा गया था अन अक्सर ही मयुद्ध खिल्नासन जन्ना कि अल्लाह के नबी उस चीज का पता बताइए जो इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली है अल्लाह के नबी ने कहा खलुक अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अच्छे अखलाक ये दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली हैं अगर किसी के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक के मामले में अच्छा हो जाएगा अल्लाह का खौफ पैदा हो गया इबादत में अच्छा हो गया और अगर उसके अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो जाए तो बंदों के साथ उसका मामला बहुत अच्छा हो जाएगा अखलाक की कमी और कमजोरी की वजह से बंदों के साथ मामला अच्छे नहीं रहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस चीज के बारे में हमें बताइए जो चीजें ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली हैं अल्लाह के नबी ने कहा वल फर्ज मुंह और शर्मगा इंसान इसी मुंह से कुफरियात और मुगल्लजात बकता है जबान के जरिए से लोगों को ईजाएं और तकलीफें पहुंचाता है गाली गलोच करता है बत करता है झूठ बोलता है झूठी गवाही देता है बेहुदा बातें बकता है इस्लाम के खिलाफ इसी जबान का इस्तेमाल करता है तो इंसान जबान के जरिए से और यह भी कहा जाता है कि जबान के जरिए से ही बड़ी बड़ी जंगें बर्पा होती हैं लड़ाई झगड़े फितना और फसाद का आगाज जबान के जरिए से ही होता है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया पक्का मुसलमान वो है अल मन अलमुस्लि अल अलमुसलिम ना मिलनेसानी ही व्यादी जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे वो पक्का मुसलमान है वल फर्ज और सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज शर्मगा है अगर इसका गलत इस्तेमाल किया और ये हलाकत और खतरे की चीज है जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में जा सकता है मेरे भाइयों अल्लाह के नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन क्यामत के दिन जब लोगों के अमाल तोले जाएंगे तराजू के अंदर रखे जाएंगे तो सबसे ज्यादा वजनी और भारी आमल अगर क्यामत के दिन किसी मोमिन के तराजू में होगा तो वह हुसन अखलाक इंसान की जिंदगी में से अगर किरदार और अच्छे अखलाक को निकाल दिया जाए तो फिर उसके पास में क्या बचता है कुछ भी नहीं बचता है और देखें हजरत खदीजुल कुब्र रजील्ला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई आप घबराए हुए घर वापस आए और आपके कांधे हिल रहे थे और आपका दिल धड़क रहा था बोली कल्ला वहिला खुशी कल्ला हुआ बदा और एक रिवायत में अब के अल्फाज भी हैं कि हरगेज नहीं खुशखबरी है आपके लिए खुश हो जाइए आप अल्लाह आलमीन हरगिज हरगिज आपको रुसवा नहीं करेगा पता यह चला क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को उन्होंने बयान किया है कि आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं कमजोरों के लिए कमा करके देते हैं रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं गरीबों कमजोरों का बोझ उठाते हैं इतनी सारी खूबियां आपके अंदर हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रुसवा नहीं करेगा पता यह चला कि जो लोग अपने वालिदैन के साथ रिश्तेदारों के साथ भाई बहनों के साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं उनका ख्याल करते हैं तो दुनिया की जिंदगी में भी अल्लाह आलमीन उनको रुसवा नहीं करेगा उनको जलील नहीं करेगा इज्जत चाहते हैं नहीं चाहते इज्जत सबको चाहिए इज्जत चाहिए ना तो उन्होंने क्या कहा था अल्लाहमीन Al आपको रुसवा नहीं करेगा बे वक्त मौत दे करके आपके दुश्मनों को अल्लाह खुश नहीं कर सकता है इतनी सारी खूबियों के मालिक हैं जहां में कमालात हैं खूबियां और कमालत आपके अंदर टूट टूट कर कूट कूट करके भरी हुई हैं कूट कूट करके भरी हुई हैं और नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लकब से जाने और पहचाने जाते थे मक्का के सभी लोग आपको सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे कि आप सबसे ज्यादा सच बोलने वाले हैं और आप बहुत बड़े अमानतदार हैं इस हदीस से इस बात का बहुत साफ और वाजह लफ्जों में पता चलता है कि कौमों के उरूज और जवाल में अखलाक का बहुत बड़ा रोल होता है मक्की जिंदगी के दौर को आप सामने रखिए हजरत अबू बकर जानी मानी और बड़ी मारूफ शख्सियत थी मगर मक्का वालों के जुलमो सितम से आज ही के वो भी मक्के से निकल पड़े और बरकुल बरकम की तरफ जा रहे थे रास्ते में एक बड़ा काफरों का एक सरदार लेकिन मोहतरम आदमी अजीज आदमी इबन उद्देना नाम का उनसे मुलाकात करता है और कहता है अबू बकर आप कहां जा रहे हैं वो बोले कि मक्के वालों ने हमें निकाल दिया है उसने कहा इन का या अबा बकर खुरुज वाला आप जैसे लोगों को ना तो मक्के से खुद निकलना चाहिए और ना आप जैसे लोगों को निकाला जा सकता है और फिर उसने वही खसूसियात जिक्र की वही खूबियां जिक्र की कि आप तो रिश्तेदारों के साथ हुसने सुलूक करते हैं गरीबों के लिए आप कमाते हैं मोहताजों का ख्याल करते हैं मुफलिसों का आप ख्याल करते हैं मेहमानों के मेहमान नवाजी करते हैं और हक का आप साथ देते हैं आप तशरीफ लाइए मैं आपके लिए मैं आपके लिए मक्के के अंदर हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं मैं आपको पनाह देता हूं और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह फिर मक्के के अंदर दोबारा तशरीफ लाए मगर यह हुआ कि मस्जिद हराम में आप नमाज ना पढ़ें आप नमाज अपने घर में पढ़ लिया करें अपने घर में छोटी सी एक मस्जिद बनाई और नमाज पढ़ने लगे जब वो नमाज पढ़ते थे तो बड़े रकीकुल रकीकुल्कल्ब थे नर्म दिल के आदमी थे कुरान करीम की तिलावत करते तो रोने लगते फिर से मुशरकिन के सामने मसला खड़ा हो गया और बोले कि अबू बकर सिद्दीक की करत से हमारी औरतें और हमारे बच्चे फितने में पड़ जाते हैं ये रोते थे और औरतें खड़ी होकर के उनकी क्रत को सुनने लगती थी और बच्चे आकर के वहां जमा हो जाते थे और फिर कुरान करीम का जादू उनके ऊपर होने लगता था यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियन के बारे में मैंने एक बात कही है और एक वाक जो बहुत ही मुसर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियला नमाज फज्र के बाद हवालिया मदीना में जाया करते थे मदीना के बाहर जाते हर रोज नमाज फजर के बाद बाहर तशरीफ ले जाते थे और काफी देर के बाद सूरज निकलने के बाद वापस आते थे एक दिन हजरत उमर फारूक रजील्ला के दिल में यह ख्याल आया कि चल करके मैं पता लगाऊं कि आखिर यह करते क्या है छुप छुपा करके उनके पीछे हो लिए और करीब में एक जगह में बैठ गए और यह अंदाजा कर रहे थे कि हाँ, एक एक औरत के घर में जाते हैं और काफी देर के बाद वापस आते हैं सिद्दीक अकबर के उस घर से निकल जाने के बाद उमर फारूक रजी अल्लाह उस घर में दाखिल हुए तो देखा एक नाबीना औरत है एक नाबीना जिसे आंखें नहीं होती हैं रोशनी नहीं होती है एक नाबीना औरत घर के अंदर है छोटे छोटे उस घर के अंदर बच्चे हैं औरत से जाकर के गुफ्तगु की कि यह कौन शख्स है जो तुम्हारे घर में आता है कहा कि यह शख्स तो मुद्दतों से आता है और ऐसे शख्स को तो खलीफा होना चाहिए क्या करता है उसने कहा कि ये हमारे घर में आकर के झाड़ू लगाता है चूल्हे जलाता है हमारे बच्चों के लिए खाना पकाता है और धुएं में तकलीफ उठाता है जो चूल्हे से जो आग का जो धुआं उठता है उसमें तकलीफ उठाता है और हमारी बकरियों का दूध दूह करके फिर उसके बाद जाता है तो कहा कब से आ रहा है कहा तो मुद्दतों से आ रहा है मुद्दतों से आ रहा है और उस औरत ने कहा कि ऐसे शख्स को तो खलीफा होना चाहिए चूंकि वो देख नहीं सकती थी इसलिए उसने अपने दिल की आवाज इस तरह से बयान की बाद में हजरत उम्र फारूक रजी होने लगे कि पहले खलीफा ने बाद के खलफा को मुश्किल में डाल दिया है पहले खलीफा ने बाद के खलीफा को मुश्किल में डाल दिया है और सिद्दीक अकबर के मकाम को कोई अब नहीं पहुंच सकता है इस कदर इंसानियत शराफत सने अखलाक और किरदार की आजमत थी कि इतना ख्याल करते थे मौलाना सनाउल्ला साहब अमरतरी के वाकई में भी आता है कि जिस शख्स ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया था और जमाते मुआजस अराकीन ने जगह जगह केस दायर कर दिया और उसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी हो गई थी जब गिरफ्तारी हो गई तो मामूली आदमी था घर के चूल्हे बंद हो गए बच्चे भूख से बिलखने लगे तो हजरत फातेह कादियान शेर पंजाब अलामा अबुल लफा सना अमरद सरी साहब उसके घर पे रात में चोरी छुपे राशन और गल्ला पहुंचाया करते थे छह सात महीने के बाद या एक आध साल के बाद जब वो जेल से उसको रिहाई मिली तो उसने समझा था टेलीफोन का जमाना तो था नहीं उसने समझा कि शायद अब बीवी बच्चे तो मर चुके होंगे देख करके बड़ा खुश हुआ कि मेरी बीवी मेरे बच्चे जिंदा हैं और उसके बाद उसने पूछा कि कैसे तुम लोग जिंदा हो तुम्हारी खबरगिरी कौन किया करता है तो कहा कि जिस शख्स के ऊपर तुमने कातिलाना हमला किया था वही शख्स हमारे घर लेकर के गल्ला आता है अल्लाह अकबर ये अखलाक है यह किरदार है मुसलमानों का अखलाक इतना प्यारा था मेरे भाइयों कि यहूदी लोग मुसलमानों से मैदान जंग में मुकाबला करते थे लेकिन अपनी औरतों को और अपने बच्चों को मुसलमानों के घरों में छोड़ जाते थे कि यह सब कुछ कर सकता है हमें दुश्मन समझता है मुकाबला हमसे मैदान जंग में करेगा लेकिन हमारी बीवी और बच्चों के ऊपर उनकी इज्जत आबरू के ऊपर हमला नहीं कर सकता है ये आज न वो अखलाक है न वो किरदार है न वो सीरत है एक भाई अपने भाई के खून का प्यासा है अगर आपके अंदर अच्छे अखलाक नहीं है तो आप अच्छे शौहर नहीं बन सकते हैं अगर आपके अंदर हुसन अखलाक नहीं है तो आप अच्छा बेटा नहीं बन सकते हैं अगर आपके अंदर अच्छे अखलाक नहीं है तो आप बेहतरीन कारोबारी नहीं बन सकते हैं अगर आपके अंदर अच्छे अखलाक नहीं है तो आप मस्जिदों के बेहतर इमाम नहीं बन सकते हैं अगर आपके अंदर हुसन अखलाक नहीं है तो मस्जिदों के और मदरसों के बेहतरीन नौजमा और जो है वो जिम्मेदार नहीं बन सकते हैं अखलाक और किरदार ऐसी खुशबू है जो पूरी दुनिया को अपने लेती है और अगर कोई शख्स इस्लाम का दाई है तो इस्लाम की किताबों को कोई गैर मुस्लिम नहीं पढ़ता है कुरान को आकर के कोई मस्जिद में नहीं पढ़ता है वो नमाजें नहीं पढ़ता है वो हमारे अखलाक को पढ़ता है हमारे किरदार को देखता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है हजरत अनस बिन मालिक रजी बयान करते हैं कि मैं उनके साथ चला जा रहा था रास्ते में एक दिहाती आया फू जब जतन शदीदा बड़ी सख्ती के साथ में उसने आपकी चादर घसीटी यहां तक कि आपके गर्दन पर सख्ती से चादर खींचने की वजह से निशान पड़ गया और बड़ा तुर्श और बड़ा सख्त लबोल लहजा उसने अख्तियार किया और कहा मुरली मिम्मान तक है मोहम्मद जो माल अल्लाह ने आपको अता किया है उसमें से हमको भी दीजिए एक तो सख्ती अमल में कि बड़ी सख्ती के साथ में चादर खींची और उसके बाद दूसरा अंदाज भी लहजा भी बड़ा सख्त मुरली में मोहम्मद जमाल अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से मुझको भी दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया पीछे देखा और कहा कि इसको अता कर दो इसको अता कर दो ये अखलाक था दुश्मनों के साथ गैर मुस्लिमों के साथ यतीमों के साथ बीवियों के साथ बच्चों के साथ पड़ोसियों के साथ एक एक पर अगर बात करूं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी छोटा एक बच्चा यहूदी बच्चा काना ना गुलाम उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटा बच्चा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था।, था वो बीमार पड़ गया यहूदी बच्चा था ख्याल कीजिएगा यहूदी बच्चा था वो बीमार पड़ गया उसकी भी तीमारदारी करने के लिए आप चले गए इस्लाम अपने अखलाक से फैला है इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है आज अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है और तरक्की करनी है तो अच्छे अखलाक को अपनाओ माना कि सियासत तुम्हारे हाथ से छिन गई माना कि तुम्हारा कारोबार ठप पड़ गया माना कि तुम्हें तकलीफ है परेशानी है लेकिन दो मीठे बोल में तुम्हारा क्या खर्च जाता है मुस्कुरा देने से क्या क्या हो जाएगा मुस्कुरा न, मुस्कुरा कर बात करना भी सदका है नेकी है और मेरे भाइयों अगर आदमी कुछ ना कर पाए अखलाक में तो किसी को तकलीफ ना दे इस पर भी ने की है और अकमल मैनी ईमानसन हम खुल मैं अपनी बात को समेट रहा हूं कि गैरों के यहां अखलाक क्या है गुड हैबिट और बैड हैबिट है इस्लाम में क्या है ईमान का बहुत बड़ा दर्जा है कोई शख्स ईमान में कामिल नहीं हो सकता है जब तक ये अखलाक में वो कंप्लीट ना हो मुकम्मल ना हो तो हम क्या समझ रहे हैं भाई देखो ये अच्छी आदतें हैं ये बुरी आदतें हैं इसे करो इसे ना करो वो ठीक है गैरों के यहां हमारे यहाँ ईमान का हिस्सा है वो और कोई शख्स अगर बद अखलाक हो बद किरदार हो तो वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है आज हालत ऐसी हो गई है कि हमारा अखलाक मस्जिदों तक सिमट गया है या सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा तसल्ली के दो जुमले बोल देते हैं या दो वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं बाकी हम पर भरोसा करने वाला कोई नहीं हमारे मामला कमजोर हो गए हमारा सलूक हमारा रवैया हमारी बीवी बच्चों के साथ हमारे वालदेन के साथ हमारे भाइयों के साथ हमारी बहनों के साथ हमारे पड़ोसियों के साथ गैर मुस्लिम के साथ यतीमों के साथ बेवाओं के साथ मसाकिन के साथ और कमजोर और नादारों के साथ हमारा रवैया बहुत बिगड़ चुका है अखलाकी की कमजोरी की इंतहा को पहुंच चुके हैं वैसे तरक्की के एतबार से तो फोर जी और आगे चलकर के फाइव जी और महंगी कारें तेज रफ्तार हवाई जहाज महंगे मोटर कार वो सब कुछ है लेकिन अखलाक नहीं है जनाजे में भी लोग देख लेते हैं कि अमीर का जनाजा है या गरीब का जनाजा है अखलाक की बदतरी देखो अगर किसी गरीब का जनाजा है ना तो बहुत कम लोग शामिल होते हैं और निकाह अगर मस्जिद में हो रहा हो तो दस आदमी और खाने में एक हजार आदमी दिखाई देते हैं यानी यहां फरिश्तों की दुआएं लेने की जरूरत नहीं है तो मेरे भाइयों वक्त मेरा हो रहा है बीस मिनट का वक्त था बाईस मिनट हो गए हैं फिर कभी इंशाल्लाह हम तो यहीं के हैं इंशाल्लाह आपके सामने गुफ्तगु करते रहेंगे दलाइल के बहुत ज्यादा कसरत है अखलाक का मजमून बहुत ज्यादा फैला हुआ है गुजारिश यह करूंगा कि अखलाक को सिर्फ अपनी जात की हद तक समेट कर मत रखिए उसका फैज आम कीजिए मां बाप के साथ भाई बहनों के साथ पड़ोसियों के साथ रिश्तेदारों के साथ यतीमों के साथ बेवा औरतों के साथ यतीमों के साथ इन सबकी खबरगीरी कीजिए शफकत से मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखिए हक को कबूल कीजिए मुस्कुराकर बात कीजिए और प्यारे नबी वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पे फायश थे हमारे लिए वो उसवा और नमूना है उनकी जिंदगी को पढ़िए उनके किरदार को अपनाइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रबीन हमें अच्छे अखलाक को अपनाने के तोफी अता फरमा और जो बुरे किरदार हैं बुरी खसलतें हैं आदतें हैं जो रजाइल हैं जिसे पुराने करीम ने फाशा कहा है मुनकर कहा है बग ये कहा है जुल्म कहा है और सू कहा है सै आ कहा है इस जैसे अल्फाज बुरे अख़लाक़ के लिए इस्तेमाल किए हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि किबमीन हमें उन तमाम बुरे अख़लाक़ से महफूज रखे आमीन व आखिर रबी वामक वरहमत लाबरक